सो हेलो एवरीवन, हम अभी वाटरफॉल से आए हैं और वाटरफॉल से आने के बाद यहाँ पे पड़ता है कैफ़े जिसका नाम है हर कैफ़े, लोकल फूड बाय लोकल वूमेन। सो कैफ़े इज़ वेरी नाइस, काफ़ी अच्छा लग रहा है और यहाँ का व्यू भी काफ़ी अच्छा है, इट्स वेरी गुड। और ये वॉक डिस्टेंस पे ही है जब आप वहाँ से आओगे, वाटरफॉल से आओगे, और वाटरफॉल के पास में एक यही है जो कैफ़े पड़ता है प्रॉपर, अदरवाइज सब लोकल छोटी छोटी शॉप्स है, डेट्स ऑल्सो गुड, वहाँ भी आप कुछ ना कुछ खा सकते हो। और उसके बाद यू गाइज कैन हैव लंच हेयर, यहाँ पे सारा यहाँ का लोकल फूड मिलता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या मिलता है एंड देन आई विल लेट यू नो कि खाना कैसा था। वैसे मैंने सुना है कि यहाँ का खाना काफ़ी अच्छा है, तो चलते हैं। दिस इज द कैफे। किचन, हेलो, हाय, तो आप लोग खुद ही बनाते हो सब कुछ? हाँ जी, खुद ही बनाते हैं। ओके, गुड, नाइस, अच्छा बना रखा है आपने बहुत। क्या नाम है आपका? मनीषा। मनीषा, हाँ जी। तो आप कब से चला रही हो कैफे? मैंने लास्ट ईयर सितंबर में स्टार्ट किया है। अच्छा, लास्ट ईयर ही स्टार्ट किया है। हाँ, तो आप लोकल ही हो यहाँ से? हाँ, लोकल ही, बीर से ही। बीर से ही हो, गुड, नाइस, थैंक यू सो मच। ऑब्वियस यहीं रह के यहीं कुछ करो तो ज्यादा अच्छा लगता है। और साथ में ये भी है कि मैं अपना हिमाचली फूड प्रमोट करना चाहती हूँ। हाँ, बिकॉज हम लोगों को उतना नहीं पता ना हिमाचल फूड के बारे में। हाँ जी, गुड, बहुत अच्छा है कैफे, बहुत अच्छा बनाया आपने, नाइस। Like she said, they are trying to promote the local food. तो ये इनकी स्पेशलिटी है कांगरी धाम, जिसमें पूरी हिमाचली थाली मिलती है, दैट्स फॉर 400। और ये टुकड़िया भात भी है, ये भी ट्रेडिशनल है। बेसिकली यहाँ पे सब कुछ ही ट्रेडिशनल है। आप इन्हें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी इनका सारा को सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो इट्स गुड, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छी वाइब आती है यहाँ बैठ के, आप कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं अच्छे से। कि हम तो अभी आधा पौना घंटा हो गया है, अभी एक डेढ़ घंटा हम यहीं बैठने वाले हैं, तो इट्स गुड प्लेस। ये बैठे हमारे फ्रेंड्स सब, जो खाने का वेट कर रहे हैं, ऑर्डर कर दिया है सबने। मैंने ऑर्डर करी थी यहाँ की स्पेशल हिमाचली थाली, जिसको बोलते हैं कांगड़ी धाम, और जिसका प्राइस है 400 रुपीज़। थाली वॉज क्वाइट गुड, काफ़ी क्वांटिटी अच्छी थी इसकी। इस थाली में आपको काले चने विद पालक मिलते हैं, कड़ी मिल जाती है, राजमा मिलते हैं, सफ़ेद छोले मिलते हैं, काली दाल मिलती है, और साथ में राइस मिलते हैं जिसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, और साथ में दो रोटी भी मिलती है, सैलेड और चटनी। तो इस थाली में दो लोग आराम से खा सकते हैं। मुझे थाली का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा, इट वॉज क्वाइट गुड। और तो खाना ओवरऑल अच्छा था और कैफ़े भी काफ़ी अच्छा था, कैफ़े की वाइब काफ़ी अच्छी है। एंड मनीषा जो यहाँ की ओनर है, उनका नेचर भी काफ़ी अच्छा है। आप यहाँ पे आराम से कुछ आर्ट्स बैठ सकते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लूडो वगैरह रखी है, म्यूज़िक चलता रहता है यहाँ पे, तो आप म्यूज़िक इन्जॉय कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ प्ले कर सकते हैं। लास्ट में हमने चाय ऑर्डर करी थी,
चाय की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, और चाय के साथ यहाँ पे मीठे शक्करपारे मिलते हैं और वो भी काफ़ी टेस्टी होते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं ये लोग। तो ओवरऑल कैफे वॉज गुड, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और सबसे अच्छा है यहाँ का व्यू, यहाँ पे जब आप बैठते हैं तो आपको जो माउंटेन्स नज़र आते हैं, इट्स सो ब्यूटीफुल। और ये गुनहर वाटरफॉल के बिल्कुल वॉक डिस्टेंस पे है, तो आप कभी यहाँ आए तो यहाँ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।